नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल बिंदास कुकिंग विद रितु में बहुत बहुत स्वागत है। चॉकलेट हम सबको बहुत पसंद है, तो चलिए बनाते हैं बढ़िया सा चॉकलेट मूस। बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बनाने में तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। 10 मिनट मैक्सिमम टाइम है जो हमें इसे बनाने के अंदर लगेगा। उसके बाद इसे आप फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दीजिए, और जब आपको ज़रूरत हो सर्व करने की तब इसे डीमोल्ड करिए और इसका टेस्ट उठाइए। देखिए कितना सॉफ्ट और कितना ज़्यादा चॉकलेटी है। ये देखिए, आपको पास से देखने में नज़र ही आ रहा होगा, जितना चॉकलेटी ये देखने में लग रहा है उतना ही ये खाने में भी टेस्टी और चॉकलेटी बना हुआ है। इसके साथ साथ मैं आज आपको कंडेंस मिल्क बनाना, 5 मिनट, कुल 5 मिनट में आप इतना बढ़िया कंडेंस मिल्क बना सकते हो जो आपको बाजार से भी नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम देख लें मूस बनाने के लिए क्या चाहिए। 2 चम्मच के लगभग मिल्क पाउडर, 2 चम्मच हमें चाहिए कोको पाउडर, 400 ml मिल्क, 4 चम्मच चीनी और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर अगर अगर लिया है, थोड़ा सा वेनिला एसेंस और साथ में 100 ग्राम डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट की जगह आप मिल्क चॉकलेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और या इसे अगर स्किप करना चाहें तो भी कर सकते हैं। और अगर अगर की जगह आप, अगर आपके पास अगर अगर अवेलेबल ना हो तो आप उसकी जगह जो है कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 चम्मच। ये देखिए कंडेंस मिल्क बनाने का सबसे आसान तरीका, 4 चम्मच चीनी, 2 चम्मच मिल्क पाउडर और 2 टेबलस्पून के लगभग ही मैंने इसमें गरम दूध डाला है। मिक्सी में 3 से 4 मिनट ब्लेंड कीजिए और इतना बढ़िया कंडेंस मिल्क बनकर तैयार होगा। ना उबालना ना ही घंटों पकाना, सिर्फ 5 मिनट गिन के इसके अंदर इतना बढ़िया, और करना कुछ नहीं है। जितना आपको कंडेंस मिल्क चाहिए उसका आधा तो मिल्क पाउडर और डबल जो है हमें वो चाहिए चीनी। यानी मेरे को 60 ग्राम चाहिए था तो 20 ग्राम मैंने मिल्क पाउडर लिया है और 40 ग्राम मैंने चीनी ली है। 2 चम्मच दूध डाला और ये देखिए कितना ज़्यादा क्रीमी बना है और फ्लेवर बिल्कुल डिट्टो है जो बाजार का आता है। आप चाहे तो इसे घर में ट्राई कर सकते हैं। अब मैंने एक फ्राई पैन के अंदर 2 चम्मच जो है कोको पाउडर डाला है, ये अनस्वीटेंड है। साथ में 2 टेबलस्पून मैंने हल्का सा गर्म पानी डाला है, क्योंकि कोको पाउडर को घोलने के लिए गर्म पानी की ज़रूरत होती है या गर्म दूध की। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तब हम इसके अंदर 400 ml के लगभग दूध ऐड कर देंगे। दूध मैंने फुल क्रीम लिया है और रूम टेम्परेचर पर है। आप चाहें तो गर्म दूध भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें इसे वैसे भी गैस के ऊपर गाढ़ा ही करना है। बस अच्छी तरह मिला लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें कंडेंस मिल्क। ये वो कंडेंस मिल्क है, ये देखिए कितना क्रीमी है। ये वही कंडेंस मिल्क है जो मैंने अभी बनाया है। ये रियली बहुत बढ़िया मेथड है कंडेंस मिल्क बनाने का, ना उबालने का झंझट ना कुछ। रेडीमेड कंडेंस मिल्क है, जब आपको चाहिए उसी समय अवेलेबल है। और मोल्ड के लिए तो ये देखिए खाली डब्बा मेरे पास पड़ा था ना, उसका इस्तेमाल किया है मैंने। इसमें इतना अच्छा जो है चॉकलेट मूस निकल कर तैयार होगा। अगर आपके पास ना हो तो कांच का ऐसा गिलास इस्तेमाल कर लीजिए। यानी घर में ही हमारे पास तरह तरह के मोल्ड मौजूद होते हैं, हमें बाजार के मोल्ड की ज़रूरत ही नहीं। मैंने बटर पेपर का एक सर्कल काटा, वो गिलास के अंदर रख दिया, और इसी तरह बटर पेपर को चारों तरफ से गिलास के अंदर, गिलास की शेप के अंदर ही इस तरह शेप दे दी, ताकि हमारा जो मूस है बिल्कुल राउंड शेप में निकल कर आए। अब हमें कोई बाजार के मोल्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी ना, तो इस तरह घर में मौजूद चीज़ों को हम मोल्ड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो 1 चम्मच अगर अगर पाउडर है उसमें मैंने 3-4 टेबलस्पून पानी मिला के इसको अच्छी तरह घोल लिया है, क्योंकि अगर हम इसे डायरेक्ट दूध के अंदर या जो हमने सिरप बना के रखा है उसमें डालेंगे तो इसकी गांठें बन जाएंगी। इस तरह हमें इसे पानी में घोल लेना चाहिए। अब जो हमने कंडेंस मिल्क, दूध और कोको पाउडर मिला के रखा है, इसे हम गैस पर उबलने के लिए रख देंगे और इसे उबालते जाएंगे। बस हमारा बहुत बढ़िया चॉकलेट मूस बनकर 5 मिनट में तैयार है। अब मैंने इसके अंदर ये वो जो चॉकलेट 100 ग्राम मैंने काट कर रखी थी वो भी ऐड कर दी है। इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा चॉकलेटी और टेस्टी आता है। बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है और ये बनने वाला भी फटाफट है। इतना महंगा मूस हम बाजार जाकर खरीदते हैं और खाते हैं, उसमें भी वो फ्लेवर नहीं आता जो इसमें आएगा। इस तरह इसे चलाते रहिए, बस चलाते चलाते। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा एसेंस अगर आपको लगे तो आप डाल दो, नहीं हो तो स्किप कर सकते हैं। अगर अवेलेबल ना हो तो आपके पास चॉकलेट एसेंस हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, और वेनीला हो तो वेनीला डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने अपना अगर अगर का पाउडर बना कर रखा है। अगर आपके पास इस समय अगर अगर ना हो, ना अवेलेबल हो, तो आप इसकी जगह 3 से 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को पानी के अंदर घोलिए अच्छी तरह और वो इसमें डाल दीजिए। मेन मकसद हमारा इसको गाढ़ा करने का है, मगर आज मैंने कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल नहीं किया है, अगर अगर का इस्तेमाल किया है। अगर अगर एक तरह का चाइनीज़ ग्रास होता है, कुछ तरह वेजिटेरियन है, और जो लोग जेलेटिन नहीं खाते हैं उनके लिए अगर अगर का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए 5 मिनट हुए और कितना गाढ़ा हो गया। बस अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब गैस को बंद करने के बाद हम इसे एक बार छन्नी से छान लेंगे
कि अगर थोड़ा बहुत चॉकलेट का टुकड़ा कोई रह गया होगा तो वो निकल जाएगा, वैसे रहेगा नहीं। मैं भी आपको छन्नी दिखाती हूँ, बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल साफ, कोई ज़रा सा टुकड़ा भी इसके अंदर नहीं बचा हुआ है, क्योंकि हमने इसे अच्छे से उबाला है तो ये आराम से अच्छी तरह सब चीज़ें मेल्ट हो गई हैं। अब मैं इसे जो मैंने चॉकलेट के डब्बे का जार बना कर रखा था ना, उसके अंदर इसको बिल्कुल पहले रूम टेम्परेचर पे आने दूंगी, उसके बाद इसे उसमें पलट दूंगी। ये देखिए कितना स्मूद और सिल्की लग रहा है और कितना चॉकलेटी, दिल कर रहा है अभी ही खा लो इसको, बट अभी ये बहुत गर्म है, इसे हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। उसके बाद उसी जो मेरे पास कैडबरीज़ का मोल्ड पड़ा था मैंने उसे उसमें डाल दिया, और अब हम इसे ओवरनाइट फ्रिज के अंदर रखेंगे। अगर आपको जल्दी हो सर्व करने के लिए तो आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए, और अगर आपको जल्दी ना हो तो इसे सारी रात के लिए रेफ्रिजरेटर में रख के हम इसे बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और स्मूदी कर सकते हैं। ये देखिए, और बस ऊपर से पेपर हटाइए और हमारा बहुत ही अच्छा जो चॉकलेट मूस रोल है वो बनकर तैयार है। अभी मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी और आपको कट करके दिखाऊँगी कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है इस तरह से। अब इसके ऊपर आप चाहे तो कोको पाउडर स्प्रिंकल कीजिए, या आप पिसी हुई चीनी स्प्रिंकल कीजिए, या आप इसे चॉकलेट से गार्निश कर लीजिए। मैंने इसके ऊपर वाइट चॉकलेट से गार्निशिंग करी है, जो अच्छी भी लग रही है और टेस्टी भी लग रही है। इस तरह मैंने कोन के अंदर वाइट चॉकलेट मेल्ट करके भर दी और उसके ऊपर मैंने इसकी अच्छी तरह से गार्निशिंग कर दी। अब मैं इसके स्लाइस कट करके दिखाऊंगी आपको, बहुत ज़्यादा आराम से स्लाइस कट रहे हैं। ये देखिए बहुत सॉफ्ट और स्मूथ बनाए, खाने में बहुत टेस्टी भी है। इस तरह से आप भी एक बहुत अच्छा नए किस्म का डेजर्ट जो है त्यौहार पर बना सकते हैं और आपके मेहमानों को और अपने बच्चों को भी सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा चॉकलेट मूस बच गया था, रोल में पूरा नहीं आया था, तो मैंने उसे जो चॉकलेट के मोल्ड होते हैं ना उसके अंदर भर दिया था। इसकी देखिए कितनी सुंदर शेप निकली है, इसे जिस मोल्ड में हम डालेंगे ये वही शेप ले लेगा। ये देखिए ये छोटी छोटी चॉकलेट्स देखने में बहुत प्यारी भी लग रही हैं और बहुत टेस्टी भी हैं, मुँह में रखते ही घुल भी जाएंगी। बस आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि जो कंडेंस मिल्क है वो मैंने आपको बता ही दिया कितना इजीली आप बना सकते हैं, तो उसको परफेक्ट नाप से बनाने के लिए मैं सामान का सारा डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। और हमें सही टेम्परेचर तक इसको पकाना है, अच्छी तरह से मेल्ट करना है, और चॉकलेट अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल करें, कोको पाउडर अच्छी क्वालिटी का लें, ताकि हमारा जो चॉकलेट मूस है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर आए। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, चाकू से चम्मच से कितने आराम से कट रहा है, और मुंह में रखते ही इसको घुल भी जाएगा। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं फिर से पहले कहना भूल गई, सॉरी, पर प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।